स्वे स्वे अधिकारे जनिष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्ययस्तु दोषः शेषे अधिकारे जनिष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्ययस्तु दोषः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, ये जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का दृष्टिभंगी लेकर जो जगत दर्शन करने का इच्छा, इसमें बंधन ही बंधन और कुछ नहीं। जगत का ऊपर अपना अधिकार जमाने का दृष्टिभंगी लेकर, जगत का ऊपर अपना आधिपत्य विस्तार करने का दृष्टिभंगी लेकर अगर जगत दर्शन करने जाए तो ये बंधन का, बहुत बड़ा बंधन का कारण बन जाए। जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करना ये तो सबको ही का इच्छा, ये जगत में हर कोई चाहता है कि मेरा अधीन रहे सब, मेरा अधिकार में रहे, मेरा बात सुने। लेकिन विशुद्ध वैष्णव का ऐसा बात नहीं है। विशुद्ध वैष्णव किसी का अपार अधिकार जमाना नहीं चाहता, चाहे वो गुरु भी हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जैसा जगत गुरु है, ये भी किसी का अपार अधिकार जमाना नहीं चाहता। बस बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए अपराकी जगत का सत्य वचन को स्थापना करने के लिए हो सके कि बहुत आदमी को कष्ट मिला होगा, ये हो सकता। लेकिन इसका पीछे विचार करने जाए तो देखे, जे प्रभुपाद किसी को कष्ट देना नहीं चाहा, किसी को दुखान, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहा, बस अपराकृत का अपराकृत सत्व वचन बोलने का प्रयत्न किए, सब कोई को वास्तविक हरिभजन में, वास्तविक हरिभजन में, वास्तविक नकली हरिभजन नहीं, वास्तविक हरिभजन में लगाने के लिए बोलना पड़ा। प्रभुपाद बोला ये सब चीज़ें, आज जानते हुए भी अगर ना बोले, ना रास्ता दिखाए, मार्ग ना दिखाए, तो ये सबसे बड़ा जीव हिंसा बन जाता है। जब भी अर्जुन दोस्त है, फिर भी कृष्ण भगवान अभी गुरु का कर्तव्य निभा रहा है, तमाम तत्व ज्ञान का धीरे धीरे उपदेश कर रहा है, क्योंकि अर्जुन का अभी जो स्थिति है, अभी भी समाधान नहीं है, फिर भी दिल में बैठता नहीं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान बोलते चले गए। और काल ऐसा विचार करके दिखाया, कैसे कैसे अन्याद भवन्ति भूतानि पज्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पज्जन्नो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। ये सब चर्चा हुआ था। और ये जो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ये जो बताया सिर सीधा समीपाद पहला पंक्ति में, ये जो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, पहला लाइन में भी ब्रह्म है और दूसरा लाइन में भी ब्रह्म, दो ब्रह्म शब्द ही है। लेकिन सिद्ध स्वामीपाद जी ने बताया, पहला लाइन में, पहला पंक्ति में जो ब्रह्म शब्द, ये वेद माना गया, ये वेद। और कर्म ब्रह्मोद्भव, मतलब बात एक ही हुआ, क्योंकि वेद और भगवान इसमें फर्क नहीं है।
वेद अपौरुष वेद वेदश्च वेद क्या साक्षात ईश्वरी है, फिर भी सीधा सही बात बताए क्लियरली से वेद से जितना कर्म आया कर्म ब्रह्मोद्भवम ब्रह्म शब्द के द्वारा वेद सीधा साईपाद जी ने ऐसा माना। और दूसरा लाइन में जो ब्रह्म शब्द है ये शब्दों के द्वारा ये जो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम ये जो ब्रह्म शब्द दूसरा लाइन थे ये ब्रह्म शब्द के द्वारा सीधा साईपाद पर ब्रह्म अर्थ किया ऐसा करके सीधा साईपाद जी ने व्याख्या किया। और ये सच्चाई है वेदस्व च ईश्वरात्मत्रात् तत्त्वमुह्यन्ति सूरयः भागवत में ये सब है। वेद और भगवान परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर अभिन्न है और इसीलिए सारे सारे मनुष्यों ने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वेद का विचार करने जाए तो इसमें मोह प्राप्त होते वेदश्च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः हो। बड़े बड़े सूढ़ी व्यक्ति विद्वान व्यक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनि सब इसका विचार करने जाए तो इसमें मोह प्राप्त होना कोई असंभव नहीं है, हो सकता है क्योंकि साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर है। और दूसरे बात दूसरे श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी बताए अर्जुन को एवं प्रवर्तितम चक्रहा जो जगत चक्र चलता है कर्म चक्र चल रहा है जो इसका ये जगत चक्र कर्म चक्रों में को जिसका कोई अनुदान नहीं है अनुदान लेना नहीं चाहता एवं प्रवर्तितम चक्रम एवं प्रवर्तितम चक्रहा नानुवर्तन्ति हय जो इसका अनुवर्तन नहीं करते। इसके लिए बताया गया अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थो सजीवती वो बेकार का जिंदगी गुजर रहा है उसका जीना मरना बराबर है क्या है। महाभारत में भी आता है अनुजज्ञम जगत स्वर्वम अनुजज्ञ सॉरी अनुयज्ञ ना ठीक है अनुयज्ञम जगत सर्वम ये जो सारे चल रहा है क्रियाकर्म जगत चक्र चल रहा है ये जगत चक्र ठाकुर जी का हिस्सा से चल रहा है पूरा प्रकृति क्रियामानानी ये फॉर्मूला के अनुसार प्रकृति क्रियाशील सौगुण ब्रह्म प्रकृति क्रियाशील हो जाता है आप प्रकृति ये सब करा रहे हैं और कर्ता अहम इति मन्नते पुरुषों का ये अहंकार है अभिमान है ऐसा करके चल रहा है। और ये विचार करना चाहिए कि गीता सकाम यज्ञ का विरोधी है। गीता में यद्यपि कर्मों का प्रशंसा थोड़ा कर्मों का बारे में कर्म करो बिना कर्म कोई नहीं रह सकता ऐसा बहुत सारे कर्मों का अनुकूल बातें दिखाया जाता है लेकिन असली बात तो ये है तमाम गीता में सकाम यज्ञों का विरोध किया गया सकाम यज्ञों का अनुमोदन नहीं है मतलब कामना वासना लेके जो यज्ञ है इसका विरोध है। लेकिन निष्काम यज्ञों का कोई विरोध नहीं है निष्काम यज्ञों का कोई विरोध तमाम गीता में है ही नहीं। और भगवान समय समय में ये कर्मों के बारे में बताया बहुत सारे चीज निष्काम कर्म जो ये करना चाहिए ये अगर नहीं करे
तो तमाम दुनिया उल्टा रास्ता पे चलना शुरू ही कर दिया। और क्या है, उल्टा रास्ता भी तो चल रहा है, क्या सोझा रास्ता में चल रहा है। योग्यो ज्ञान, योग्यो दान तपस्या, ये सब जो कर्म है, ये चित्त, ये किसी का चित्त चित्त शुद्धि कारक है। योग्यो ज्ञान, योग्यो दान तपस्या, ये सब जो कर्म है, ये चित्त शुद्धि कर कर्म है, अतः ये करना चाहिए। ये बंद करना ठीक नहीं, चित्त शुद्धि कारक है। और योग्य दान तपस्या ये सब कर्म शुद्धि अवश्य कर्तव्य, किंतु आसक्ति और कामना फल फल कामना ये सब त्याग करके ही करना चाहिए। अगर आसक्ति और फल कामना लेके ये सब किया जाए तो इसका तो गीता में इसका अनुमोदन नहीं है। बहुत सारे बारे में गीता का अंत में 18 अध्याय में ये सब बताया गया, कैसे सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, ये सब बहुत सारे चीजें बताए गए। यज्ञ आदि सारे तमाम जो है भगवत उद्देश्य में करना चाहिए, भगवान को सामने रखकर करना चाहिए, भगवान को सामने रखकर करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए योग का पूरा भक्ता भोक्ता है भगवान, योग्यो वही विष्णु, निश्चित रूप में जानो योग्य विष्णु ही है। और विष्णु रूप ये जो भगवान, ये सारे तमाम योग्यों का भोक्ता है, योग्यों का भोक्ता तो भगवान है। वस्तुतः अनासक्ति फलाकांक्षा ये सब त्याग करके श्री कृष्ण सर्वकर्म समर्पण करके इत्यादि निष्काम कर्मों का जो कुछ भी मूल बातें हैं, ये योग्य कर्मों में यही जरूरी है। पहले पहले जो श्लोकों में हमने बताए कैसे कैसे पंचो यज्ञादि के द्वारा पंचसूना नामक जो पापे होते रहते हैं जाने अनजाने में, पहले हमने बताए कि पैस ये जो पंचयुगों के द्वारा अब ये सब पाप से रिहा, ये सब पापों से रिहा मिल सकता ये पंचयुगों से। पंचयुग के बारे में बताया था, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पृति यज्ञस्तु तर्पणम होमो दैव बलिर भौतो निजोग्य अतिथि पूजनम, काल सब व्याख्या हुआ। कैसे अध्ययन करके अध्यापना के द्वारा सब कोई को ज्ञान का बंटवारा करे, वितरण करे, वास्तव ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान नहीं, ऐसा करके ऋषि मुनियों ने जितना सारे कष्ट करके हमको दिया है, जितना सारे ज्ञान के भंडार, ये लेने से ऋण तो हो ही, अरे ये जगत में ऋण ही ऋण, एकमात्र जो भक्ति योगी है इसका लिए कोई ऋण नहीं बचा। जो वास्तविक भक्ति योगी है, देवर्षिर भूतात्मनीनाम पितृणाम नायम ऋणी च राजनहा इत्यादि चर्चा करेंगे कल। इसमें क्या है, ऋण होने का कोई संभावना है नहीं, लेकिन साधारण जितना सारे आदमी जन्म लेता है, जन्म का साथ साथ ही इसका ऋण स्वाभाविक रूप से आ जाता है, ऋण ऋणी हो जाते हैं हम। इस सब ऋणों से कैसे छुटकारा मिले,
इसका बारे में पंचसुना, पंचसुना जब पांच किस्म का जीव हिंसा जाने अनजाने में हर आदमी को हो ही सकता है। गृहस्थस्य पंचयज्ञात प्रणश्यति, पंचसुना पंचसुना गृहस्थस्य पंचयज्ञात प्रणश्यति। पंचयज्ञ के द्वारा गृहस्थी व्यक्ति का सारे सब तमाम जो है ये जो पापे हैं सब हट सकता, कोई बात नहीं। और कोई भी आदमी जाने अनजाने में पाप करते ही रहते, कुछ उपाय भी नहीं है। तो ये जो है पंचो यज्ञों के द्वारा ये अगर निष्काम भाव से किया जाए, इसका उद्देश्य बड़ा बड़ा ऊंचा है। सगाई बोला ऊंचा सगाई, इसका आइडियलिज्म आदर्श बड़ा ऊंचा। दृष्टि विश्व मानव के आधार पर, विश्व मानव के जो आधार है ये जो विश्वात्मा, इसके ओर जा रहा है ग्रेजुअली। हमारा प्रचोदयात मंत्रों भी धीरे धीरे कहाँ तक जा रहा है। प्रचोदयात मंत्रों जो है गायत्री मंत्र, ये हैरान करने वाला विचार है, कहाँ तक जा रहा है। प्रचोदयात तो बोल दिया लेकिन अनुभव नहीं किया, कौन किसको प्रचोदना करे। ये जो है हमारा सारे क्रियाक्रम, भोजन भोज भोजन करे आदि, इसमें भी हमारा चिंतन करना चाहिए। ये भी एक योग्य है, हम प्राण में आहुति दे रहे हैं। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत त्रिपतु, ऐसा करके भोजन में बैठना चाहिए विचार करके। नहीं तो हमारा वैष्णव राज्य में महाप्रसादे गोविंदे ब्रह्मणे वैष्णवे सब जो है ये तो जरूरी है, ये इसे भी बड़ा है। ये तो कर्मकांडी जो विधान है ये तो ठीक है, इससे भी बढ़कर है हमारा। तो ये जो है इसमें अनुजज्ञम जगत सर्वम, तमाम जगत तो यज्ञ ही चल रहा है, तमाम दुनिया में एक बृहद यज्ञ चल रहा है। वो इतना बड़ा जगत चक्र चल रहा है, इसमें अगर हमारा कोई योगदान नहीं है तो बड़ा भारी मुश्किल। विश्व पिता विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो ये जगत चक्र, ब्रह्मा जी भी ये बताए प्रिय बुद्धों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी का आदेश पालन कर रहे हैं। देखिए जगत पालन कर, जगत सृष्टि करने में माथा पीछी है, बहुत हेडेक है। ब्रह्मा कह रहे तो फिर भी हम तो आदेश पालन कर रहे हैं, और भगवान ने बोले देखो आप ये आदेश पालन करते चलो, और इसमें ये सब आदेश पालन करके आपको बंधन का कोई रास्ता नहीं, आपका बंधन होगा नहीं, ऐसा करके भगवान ने वादा किया। बंधन का कोई बात नहीं, ठाकुर जी स्वयं बोला ये पालन करते हुए भी आपका बंधन नहीं होगी, ऐसा करके। तो जो भी है ये सो करते करते देखा इधर जो वेद भगवान का, तब निश्चोषितम वेदः तब निश्चय, ये शास्त्र में है भगवान आपका तो निश्चेष निश्वास के द्वारा ये वेद आया है। ऐसा करके हमने देखा जे सचमुच ये जगत चक्र चल रहा है, और एवं प्रवर्तितम चक्र नानु वर्तयति ह, एवं प्रवर्तितम चक्र नानु वर्तयति ह य अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थो सजीवति। इसका जीवन जिंदगी बेकारी है, वो अगर कुछ ना करे तो क्या है। अघायु ये पापी हो, हे पार्थ कर्माधिकारी व्यक्तिगणों में जो व्यक्ति ये जगत चक्र प्रवर्तक रूप यज्ञ अनुष्ठान में कोई योगदान नहीं दे रहा है, नहीं देना चाहता है, वो तो पापी है, पाप जीवन युक्त, इंद्रिय सेवक के भोगने वाला,
इंद्रियों के द्वारा केवल आयेश आराम एंजॉयमेंट करने वाला कि जो है एंजॉयमेंट करने वाले जो हैं ये लोग का जीवन जिंदगी बेकारी है, पापी है। तात्पर्य ये है जे आत्मा का विचार करो तो आत्मा यथात्म रूप भगवत भक्ति योगों में पाप और पुण्य दोनों का एक का भी कोई स्थान नहीं है। भक्ति राज्यों में इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। अब अभी इसी बद्ध अवस्था में हम समझ के रखे हैं कि ये शरीर ही हम हैं, इसीलिए ये पाप पुण्य वाला जो विचार है क्या करना चाहिए अघायुर इंद्रिय राम मोघम पार्थ सजीव इत्यादि, ये इसका कारण है। तमाम बद्ध जीवों को एक तो सिस्टम में, एक तो रेगुलेटेड वे में लाके उसका तरक्की का थोड़ा बहुत व्यवस्था किया जाए, धीरे धीरे अपना संस्कार का अनुसार जब भी चाहे ये रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा ऊपर जाए। तो ये जो निर्गुण भक्ति जो है, ये निर्गुण भक्ति का रास्ते पे पाप और पुण्यों का कोई स्थान नहीं है। भगवान भी ये गीता में बताए नादत्य कस्यचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति हिन्दु। पाप और पुण्यो हे अर्जुन, भगवान कह रहे ये पाप पुण्य लेके मेरा कोई हेडेक नहीं, ये तो अपने आप बद्ध जीवों का जो अपना अपना विचार है इसमें चल रहा है, ये अपना हिसाब से चल रहा है तो अपना कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मफल कोई किसी का भोगता नहीं, सब अपना ही कर्मफल अपने को ही भोगना पड़े। और आत्मो यथात्म रूप भगवत भक्ति के रास्ते पे पाप पुण्यों का कोई स्थान ही नहीं, जिसे नरोत्तम ठाकुर बार बार बताए पुण्य से सुखेर धाम नालोयो तार नाम। पुण्य सुख का धाम है माने सोर्स, तो ये इसका नाम मत उठाओ। क्यों बोले अगर पुण्य का नाम उठाओगे, पुण्य अगर करोगे तो ये भी तो तुम्हारे लिए बंधन है, ये भी तो बंधन है, एक किस्म का बंधन ही तो है। पाप किया इसमें भी बंधन है, पुण्य करो ये भी बंधन, थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे एक तोता पाखी को, तोता पंछी को कोई व्यक्ति सोने का जो चेन है इसमें बंध के रखा, और दूसरा एक तोता पाखी है किसी का वो लोहे का जो चेन है उसमें बंध के रखे, अरे बंधन तो बंधन ही है, सोने का चेन है इसीलिए मेरा मजा हो रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, तो सोने का चेन ही, लेकिन होने से भी क्या है, बंधन तो बंधन ही है। ऐसा ही है पाप करते चले इसमें भी बंधन है, ये लोहे का सिकल है काला काला और ये दिखने में बहुत चिकना, लेकिन बंधन दोनों में ही, दोनों रास्ते मार्ग में है। और इतना ही नहीं, ये बोलना जरूरी है कि पुण्य करने से जो स्वर्गादि सुख को प्राप्त होते रहते हैं ये तो हमारा वांछित वस्तु नहीं है। और ठाकुर जी भी गीता में बताएं कि अगर पुण्य कर्म करो तो इसका भी थोड़ा डिपॉजिट बनते रहता है, और डिपॉजिट है तो इसका नेगेटिव साइड भी है, तो खर्चा भी है। तो खीने पुण्य मत्तोलकम विशंति, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी पुण्य कर्म में जो भक्त है ये पुण्य कर्मों के द्वारा मोहित नहीं होते, जाने ये दो दिन का जिंदगी है, पुण्य करो तो ये भी स्वर्ग में दो चार दिन के रहने देंगे, उसका बाद धक्के लगाकर फेंक देंगे नीचे। खीने पुण्य मत्तोलकम विशंति, 5-स्टार होटल में घुसा है, 2 लाख रुपया जेब में है और 2 लाख रुपया जब खत्म हो गया
तो बिल पेमेंट नहीं करो तो लात लगा के बेर कर देगी, जा भाग यहां से। ये तो होना ही है, ये पुण्य पुण्य कर्मों का यही फल है। और तमाम तमाम साधारण आदमी ये पुण्य कर्मों ये सबको ही धर्म मानते हैं, चलो धर्म धर्म पुण्य करके आओ ऐसा सोचता है। लेकिन पुण्य कर्मों में भी बंधन है और पाप कर्म तो बंधन है ही है, आप जानते ही हो। लेकिन इतना बोलना जरूरी है कि पाप कर्मों में जो बंधन है इसमें फिर भी पॉजिटिव रास्ता खुल सकता है, लेकिन पुण्य कर्मों के द्वारा जो बंधन इसमें रास्ता खुलने का चांस कम है, नहीं है ये नहीं बता सकता लेकिन कम है। बोले कैसे? बोले एक आदमी पाप कर्म करते करते उसका बहुत पनिशमेंट हुआ, पाप कर्म का तो पनिशमेंट हो ही गया, चाहे पुलिस में हो जहां वो पनिशमेंट होते रहता है, और ये पनिशमेंट मिलने का बाद इसका इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट तो मन ही मन सोचते रहते कि दोबारा नहीं करेंगे, अब छुटकारा मिले तो दोबारा ये सब नहीं करेंगे, बहुत कष्ट मिला, बाप रे बाप। मतलब निर्वेद, हमारा कहने का मतलब है पाप कर्मों के द्वारा नीच योनि को प्राप्त होता है, बहुत कष्ट मिलता है, और कष्ट मिलते 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 कभी भी ठाकुर जी करे तो निर्वेद को प्राप्त करना कोई असंभव बात नहीं। बहुत कष्ट हो रहा है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, हर वक्त ये सब टेंशन, ये सब कष्ट है, क्या जगत चक्र है। देखो ठाकुर जी एक एक व्यक्ति को जैसे जैसे झूला झूलते हैं ना, सब झूला बचपन में झूला झूला झूलन खेला खेलते थे, तो इसमें तमाम पुतली लेके बैठा देते, तमाम पुतली सरोवर बना दिया शीशा देके, इधर उधर सब सुंदर बच्चे, बचपना है फिर भी इसमें प्रैक्टिकलिटी है। आजकल का जमाने में इसका कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता, लेकिन इसका 100% वैल्यू है, क्योंकि ये बच्चा का चिंतन शक्ति का एक्सपेंशन करता है। ये जो झूलन है, ये जो होली है, ये जो बचपन में ये सब खेलते थे हम लोग, इसका बहुत सारे साइंटिफिक ग्राउंड है। इसमें बच्चा बहुत फ्री होता है, ये बच्चा का बहुत नो फिलोसॉफिकल दार्शनिक व्यू भी आगे चलता है। जैसे एक उदाहरण दे दे, रविंद्रनाथ ठाकुर महाशय जब बचपन में पिताजी का साथ बोलपुर में जाते थे, ये बोलपुर का जितना सारे जमीन है ये सब जमींदार थे, खरीद के रखे, और वह एक कमरा है, बचपन में गया था स्कूल की टीचर के साथ घूमने फिरने, वहाँ देखा ये रविंद्रनाथ ठाकुर के जो पिताजी, इसका एक कमरा, एक शीशे का कमरा, हाँ लाल पीला और तुम्हारा सब एक कमरा है, उस कमरे का अंदर खुला मैदान में उसमें बैठ के ब्रह्मों का उपासना करते थे, और ये बच्चा है रविंद्रनाथ ठाकुर जो है बचपन में इधर उधर घूमते थे, ये मैदान में इधर उधर घूमते थे, कुछ दो चार अच्छा पत्थर मिला तो उठा लिया, कुछ मिला अच्छा अच्छा प्रकृति से पिताजी को दिखाते थे, लेकिन पिताजी गाली नहीं देते थे, ए क्या किया भाग गया, ऐसा नहीं, वाह 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 बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको देखो क्या करोगे, ऐसा करके विचार करके बच्चा का जो भाव है वो बढ़ते रहता है। बच्चा का जो चिंतन शक्ति, दार्शनिक क्षमता, विचार क्षमता, ये बढ़ते रहते हैं। आजकल का जमाने में नहीं है, हमारा जमाने में ये सब तो खेल कूद सब दिन भर, उरी बाप रे बाप कोई समय नहीं है। ये सब करके इसमें क्या है, बढ़ता है। तो झूला में जैसे अलग अलग पुतली बैठा दिया है, पुतना मोक्षण कर दिया, या पानी में मछुआरे मछली पकड़ रहा है, उधर बोट चल रहा है, ऐसा करके, तो मतलब कहने का मतलब है जैसे पुतली को झूलों में सजाया जाए,
आपका अगर आंखें है, आप अगर अंधा हो तो देख नहीं सकते। देखो एक एक आदमी को ठाकुर जी कैसा कैसा काम में लगा दिया। ओह हो, किसी को रास्ता झाड़ू दे वो उस दिन जीवन जिंदगी भर रास्ता झाड़ू दे दे तो उसका जिंदगी खत्म। हमने देखा किसी ने दरवानी करते करते जिंदगी छोड़ दी। कैसा बात है, किसी ने मछली बिक्री करते करते जिंदगी छोड़ दिया पूरा तमाम। कोई अगर जाज हो ये विचार करते करते जिंदगी, किसी ने खून किया, किसी ने रेप किया, ये सब विचार करते करते छोड़ दिया परत। ऐसा बात है तो ठाकुर जी जिसको जिस काम में लगा के रखा है वही करते चलते, वाह इसी में उसका मजा लगता है, चलो करो इसी में करो। तो ये जो है ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो जो भक्ति योग में ये तो पाप पुण्य का कोई तो बात ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये तो पाप पुण्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं, आत्मधर्म है ये, आत्मधर्म है। आत्मा का तरक्की के लिए विचार करो, विचार शरीर का नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ये बात नहीं है। बात यह है तरक्की का, कैसा कितना कौन कितना तरक्की किया, चाहे अम्बरीश महाराज हो, चाहे पृथ्वी महाराज हो, चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, लेकिन सारे ये जो हैं वो आत्मचिंतन में लगे रहते। इसीलिए इसका हमारा वो जो जनकपुरी का जनक महाराज, ये सब देखने में बाहरी दृष्टि में कर्म में लगा हुआ है, कोई राजा है क्या है सब कर रहा है, लेकिन अंतर्दृष्टि है हर वक्त भगवान का चरण में अपने को समर्पित करके रखा है, भगवान का चरण को छो के रखा है, इसलिए इसका कोई कुछ समस्या है नहीं। तो अब ठाकुर जी को ठाकुर जी को सामने रखे, कुछ भी करे ठाकुर जी को सामने रखते, सामने रखते हुए वो लोग करते हैं। सर्वगा दृष्टि अंतर आत्मा का ओर, अंतर आत्मा का ओर। इसीलिए देखो युधिष्ठिर महाराज जी जब सारे अपना कब्जा में है, तमाम दुनिया अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ के बाद अश्वमेध यज्ञ भी हुआ, ये सारे जो किया क्यों किया, अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो इसमें क्या दरकार था, ये सब विचार आता है। और ऐसा अगर इतना यज्ञ किया, कुछ भी किया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, समाम युद्ध में सब कोई को पराजित करके सार्वभौमत्व प्राप्त किए, इसका बावजूद भी कैसा हालत है हृदय का, कि ये जीवन जिंदगी के लिए कुछ भी चाहत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज चाहे वो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं फिर भी दिल में तो एक फकीर है, एकदम वैराग्य का खजाना, और अंतिम में परीक्षित महाराज को सिंहासन में बैठा के तमाम चल दिए महाप्रस्थान की रास्ते पे। ये भी एक कहानी है, सिद्धांत है इसमें, आम आदमी जानते नहीं। महाप्रस्थान के रास्ते में वो होता है चल गया स्वर्ग का रास्ता में, महाप्रस्थान ऐसा विचार बनता है ना, जो पंच पांडवों का अंदर में जो देवता का अंश है, इस सारे संदर्भ का बहुत ऊंचा विचार है। ये जो पंच पांडवों का अंदर में जो देवता लोगों का अंश है, दैट रेस्पेक्टिव अंश जो है वो स्वर्गों में तो गया, चला गया अपना जगह पे, लेकिन बाकी भगवान का जो नित्य पार्षद है, ये पार्षद पार्षद जो है इसका तो क्या कहाँ जाए, वो स्वर्ग में, स्वर्ग में जाएगा, ये तो स्वर्ग में जरूर नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे। भगवान का पार्षद जो है ये सब जोदुवंशी का भी है रेस्पेक्टिव देवतांश, और ये सब बाकी भगवान का जो पार्षद है, महाराज काटा पीटी क्यों किया, मारा गया आपना, आप जोग माया का दर्शन, जोग माया का ऐसा मैजिक स्पेल है कि आप देख रहे हो कि जोदुवंश ध्वंस हो गया, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। भगवान चिंतन करते रहे कि ये जोदुवंशी एक एक तो इतना पावरफुल है, इसको कोई माने तो हमको ही ले जाना पड़े, कोई बहाना बना के ले जाना पड़े। तो जो ये जो भगवान चैतन्य महापुरुष खुल्लम खुल्ला बता दिया सनातन, सनातन देखो
ये जो जदुवंश ध्वंस है, भगवान का जो अंतोध्यान है, और ये कृष्ण महिषियों का जो एबडक्शन हरण, ये सब बातें जो है सारे जुग माया का द्वारा एक मजा है, ये जुग माया के द्वारा कृत है। ऐसा कोई जदुवंशु की कोई आंखें काटापिटी करे, मारपीट करे, ऐसा कोई संभव नहीं। फिर भी भगवान का ये एक बड़ा भारी लीला है, ऐसा करके ले जाने का बहाना है। तो ये जो है आत्मा का विचार युधिष्ठिर महाराज का, हर वक्त चाहे जंगल में हो, चाहे राज सिंहासन में आसीन हो, हर वक्त उसका अंत चिंता है। जबी ये जो कामबंध में जो धर्म कुंड है, वहां जब पानी लेने गए, युधिष्ठिर महाराज बोले किसी को, सब भीम को बोले पानी लेके आओ, थोड़ा पानी प्यास है, और आके तो सब गिर गया, पड़ा हुआ है मुर्दा जैसा। अंतिम में युधिष्ठिर महाराज गए तो वहां तो प्रश्न उत्तर हुआ, कौपंथा कश्च मदते, ये सब तमाम प्रश्न जो है, बहुत सारे प्रश्न, एक धर्मराज छोड़ के किसका हिम्मत है इसका उत्तर दे, इतना जटिल है, इतना गहरा विचार है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज, ये इसका नाम युधिष्ठिर पड़ गया, किस लिए? क्योंकि युद्ध में भी इसका बुद्धि स्थिर रहता है, बेचैनी नहीं है, इससे इसका नाम युधिष्ठिर। युद्ध क्षेत्र में भी तमाम चल रहा है, काटा पीटी युद्ध चल रहा है, फिर भी इसका दिमाग जो है ठंडा है एकदम, क्योंकि भगवत चरण में संलग्न है, इसीलिए ठंडा है। तो इसीलिए इसका नाम युधिष्ठिर पड़ गया। और कौपंथा आदि इतना सब सारे प्रश्न किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज घबराए नहीं, बिल्कुल एक एक करके सारे उत्तर ऐसे दे दिए। भले हमारा ये प्रश्न, तमाम प्रश्न का उत्तर देके जलम पीवो, इसका बाद पानी पियो, उसका पहले देखो करने जाओ तो ऐसा हालत है। मेरा जितना सारे प्रश्न हैं, ऐसा उत्तर देके से पानी पियो, देखो कितना सुंदर है इच्छा। तो युधिष्ठिर महाराज जो है, राज सिंहासन में हो या तो जंगल में हो, हर वक्त ही उसका बुद्धि तो स्थिर है ही है। और अंतिम में इतना भोग, इतना ऐश्वर्य है कि देवता लोगों को भी, देवता लोगों के लिए भी ईर्ष्यादायक है। फिर भी युधिष्ठिर महाराज तमाम ये सब छोड़कर परीक्षित महाराज को राज्य राजधानी में अभिषेक करके फिर चले गए। कहने का मतलब है, देखो कितना निष्काम भाव से किया हो। अगर निष्काम भाव से नहीं किया हो, सकाम भाव से किया होता तो हर चीजों में तो अपना आकर्षण रह जाते। आकर्षण के आकर्षण रह जाते, लेकिन आकर्षण नहीं हुआ। तो जो भी है ये सो, तो ये जो है, ये जो पंथा है, ये निर्गुण भक्ति लाभ का प्रशस्त पंथा शास्त्र में बोला हुआ है, ये भक्ति योग जो है। इसी पंथे में, इसी पंथा में चलने वाले जो है, इसका लिए जो अंतर में जो कसाय, कसाय माने मार्किंग, कचरा है, थोड़ा दाग है, गंदगी है, कसाय नाश रूप चित्त शुद्धि अनायास हो पाते हैं। क्योंकि भक्ति योग के द्वारा चित्त शुद्धि कोई असंभव नहीं है, बहुत अनायास हो सकता है। भागवत में भी ये सब विचार है। और ये श्रेयपंथी व्यक्ति के लिए ये अपना चित्त शुद्धि करना कोई बड़ा बात नहीं होता, हो जाता ये श्रेयपंथ भक्ति पंथा में। सब ही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्षये अहेतुक अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। ऐ जो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के बाद प्रशांति आ जाते,
शुद्धि नहीं है तो बेचैनी है ही है। आज जो लोग भक्ति में अधिकार नहीं नहीं भक्ति में जिन लोगों का अधिकार अभी तक नहीं हुआ, भक्ति में तो ऐसा सब कोई का अधिकार है ही है। मेरा कहने का मतलब जो लोग अभी तक भक्ति में विश्वास नहीं है, भक्ति का रास्ता को अपनाया नहीं, आ भक्ति में चेष्टा भी नहीं है, कुछ नहीं किया, भक्ति योग का अधिकार लाभ नहीं किया होगा, तो ये सर्वदा कामना और इंद्रियो तृप्ति के वशीभूत है। इसके माने हैं ये सर्वदा सदा पापे रतो, जैसे भक्तों ने कीर्तन किया, अमार जीवन सदा पापे रतो नहीं को पुण्य रोले परे रे उद्वेग दिया छी जे कतो दिया छी जीवेर केश। ऐसा सुंदर कीर्तन करना चाहिए डेली। तो ये जो है जिसका कम जिसका भक्ति में अभी तक कुछ अधिकार हुआ ही नहीं, कुछ नहीं आगे बढ़ा, ये लोगों के लिए तो एक ही मकसद है कि रास्ता है कैसे जीवन जिंदगी को एंजॉय किया जाए, खाओ पियो जियो, सर्वदा कामना वासना इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत है। और इसके माने हैं हर वक्त पाप में रत है, क्योंकि हमारा किसी भी तरीका से हम अगर एंजॉय करने जाए, विचार करके देखना है बात को, किसी भी तरीका से हम अगर अपना एंजॉयमेंट को ढूंढने जाए तो मेरा एंजॉयमेंट के लिए किसी को भोगना पड़ेगा। मेरा बात समझा नहीं। जैसे किसी का इच्छा हो मछली मांस खाओ, तो इसका लिए ये जो जिसका मांस खाए उसको तो प्राण बलिदान देना पड़ा, वो अपना शरीर को छोड़ दिया ऐसा करके। तो किसी ने नौकर रख लिया, तो नौकर है किस लिए, हमारा कर्म का बोझ जो है हमारा, जो ये तू संभाल तो इसको पैसा दे देंगे हम, तो हम हमारा पैर दबा दे कष्ट हो रहा है, तो ये जो हमारा आराम जो बात है, हमारा कोई भी आराम चाहे सूक्ष्म आराम हो स्थूल आराम हो, अगर गाना सुन के आनंद लेना चाहो तो हमारे लिए किसी को गाना पड़ेगा, तो हमको गाना गा के रिझाना चाह, लेकिन एक ही गाना ठाकुर जी का लिए गाए तो उसमें कोई दोष नहीं, एक ही गाना कोई गाने जाए को पब्लिकों को रिझाने के लिए और कोई ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया, दोनों में आकाश जमीन अंतर है, ऐसा नहीं बोल सकता, इन्फिनिटी डिफरेंस है। हमारा वृंदावन में जो हरिदास जी है, तानसेन जो गायक थे, तानसेन अकबर बादशाह का सभा में और विक्रमादित्य का सभा में नवरत्न थे, अकबर का सभा में बड़ा बड़ा विद्वान व्यक्ति रहते थे, कोई गाने का कोई पंडिताई का बहुत सारे विज्ञान का, इनमें से एक है ये तानसेन जी वो हरिदास जी का शिष्य है, हमारा हरिदास नहीं है, जो हरिदास बिहारी जी बांके बिहारी हाँ, उसको जंगल से प्राप्त किए निधुबन से और जान लगा के सेवा की और रोज हर वक्त गान सुनाते थे बिहारी जी को, बिहारी जी गान सुनते थे और इतना सुरताल इतना मीठा है और ठाकुर जी इतना प्रसन्न हो जाते, जैसे सूरदास जी जो हमारा चंद शर्मन रहते थे, तमाम 80-90 साल कम से कम, तमाम ये झाड़ बारिश है बादल कुछ भी है पूरा जाके श्रीनाथ जी को ज्योतिपुरा में गाना सुनाते थे और ठाकुर जी स्वयं बैठ जाते थे सामने गान सुनने को, तो आंखों में दिखते नहीं थे ऐसा करके। तो ये जो ठाकुर जी को रिझाने के लिए जो बात है, एक दफे अकबर बादशाह बताए कि तुम्हारा गुरुजी को दर्शन करने जाए, तो ये बोले गुरुजी तो दर्शन नहीं देंगे क्योंकि उस किसी के साथ बातें नहीं करते, राजा का साथ तो नहीं है, किसी का साथ
तो फिर दूर से देखेंगे, ठीक है चलो। दूर से देखा, जंगल से देखा, अपना अपना एकदम दिल लगा के बिहारी जी को गोदी में लेकर गान सुना रहे, और हैरान होकर हैरान हो गया बादशाह, बोले इतना सुंदर गाना जिंदगी में सुना ही नहीं कभी। और बाद किसी दिन ये बादशाह इस तानसेन को, तानसेन को बोला, गुरुजी जो गाना गाया वो गाना आप गा सकते हो? बोले हाँ हम गाए। बोले अच्छा तो गाओ। और गाना गाया, बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर गाना, बहुत प्रशंसा किया बादशाह। लेकिन बादशाह ने बोला, देखो ये गाना तो सही सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन आपका गुरुजी जैसे गाया था ऐसा माफी हो नहीं पाया, ऐसा हृदय को स्पर्श करने वाले, हृदय को पिघल देने वाले ऐसा नहीं हो पाया। और तानसेन बोला, बादशाह कैसे हो सकता, जावना ये तो परमात्मा भगवान को रिझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए गाया है, किसी को सुनाने, और आप तो सुनना चाहे मैं, और दोनों बराबरी कैसे हो सकता, ये तो ठाकुर जी का लिए गाया। तो ये उदाहरण समझ लो कि ये जो है समाम आदमी पाप पुण्य का काम में लगे हुए, हमारा किसी भी तरीका से हम एंजॉयमेंट लेना चाहे किसी जगह से, ये एंजॉयमेंट हम लेना चाहे तो हमारा ये एंजॉयमेंट का पीछे राज है, किसी ने कष्ट किया होगा। लेकिन ठाकुर जी के लिए ऐसे विचार नहीं, ठाकुर जी को हम अगर संतुष्ट करें हरि कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, कुछ भी हमारा जितना भी कष्ट हो, चाहे तबीयत खराब हो, सिचुएशन बहुत खराब है, इसमें हरि कथा होना संभव नहीं, फिर भी अगर दिल लगा के चेष्टा किए तो हमारा मकसद है ठाकुर जी का संतुष्ट विधान करना, ये ठाकुर जी। लेकिन तमाम दुनिया का जो आदमी जो भोग करना चाहे एंजॉयमेंट, कुछ भी एंजॉयमेंट करने जाए, चाहे सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, उसको किसी को इसका लिए सेक्रीफाइस करना पड़े। हमारा जो एंजॉयमेंट मिलता है, किसी ने मेरे को परमन्न बनाकर भोग लगाकर गिरिराज को हमको थोड़ा बहुत दिया, लेकिन हमारा अगर प्रसाद बुद्धि नहीं है तो हो गया, हमारा एंजॉयमेंट के लिए उसे उसको जुमा है, उसको कष्ट करना पड़ा, वो परमन्न बनाए, प्रसाद बुद्धि तो नहीं है, ऐसा भोग बुद्धि है। तो यही बात चल रहा है, भोग बुद्धि, अगर भोग बुद्धि चलते रहे तो इसमें कोई समाधान नहीं होगी। एक दफे सेवक बिना लवण नमक रोसी करके श्रील बामन महाराज जी को खिला दिया, बामन महाराज जी आराम से खा गया। खाने के बाद जो थोड़ा विश्राम ले रहा है सेवक, अभी वो प्रसाद पा रहा है, प्रणाम का चिल्लाया, गुरु जी आपने बताया नहीं, हमने लवण नहीं डाला, नमक नहीं डाला, आपने खा गया, कुछ बोला ही नहीं। बामन महाराज हंस के बोला, अरे हम तो प्रसाद पाया, हम तो ना लवण पाया, ना तो झाल पाया, कुछ न, हम तो प्रसाद पाया, प्रसाद में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, जो भी वो प्रसाद है पा लिया, ऐसा विचार किसका है दिखाओ सब टेस्टी मांगता है। तो जो भी है विचार जो है इसमें, जो तमाम जो चल रहा है यज्ञ व्यवस्था, ये धर्म अथवा पूर्ण कर्म, ये तो चलते रहता है। और हमने बताया कि देखो ये पाप कर्म फिर भी अच्छा है, क्यों, ये पाप कर्मों के द्वारा जितना सारे हेवी सीवियर पनिशमेंट मिलते रहेगा, और मिलने के बाद शायद ठाकुर जी करे तो मेरा अंदर में एकदम निर्वेद अवस्था को प्राप्त हो सकता, लेकिन पुण्य कर्म में निर्वेद अवस्था आना संभव नहीं, क्योंकि भगवान बोला जी ऐसा पुण्य कर्म करे ऊपर जाए स्वर्ग में भोग फोग करे, उसका बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद ही किसी धनी किसी पैसा वाले का घर में जन्म दे दी, और होने के बाद भी कोई कष्ट नहीं, वो चल रहा है ऐसे, एसी डीसी सब चल रहा है, शमशान में जाओगे भी एसी डीसी चलेगा, वहाँ भी ऐसा चल रहा है। सिलीगुड़ी में एक है बात हुआ, सिलीगुड़ी में किसी ने हमको एक जगह ले जा रहा है, और एक मैया बगल गाड़ी में ऐसा चल रहा है,
और जाते जाते लड़का को बोल रहा है, सुन रहा है, बगल चल रहा है धीरे धीरे। अब लड़का को बोल रहा है आप बोले एसी को फुल कर दे बेटा, और इसका पहले ही जब हमारे साथ प्रवचन सुन रहा था, सुन रही थी, उसको रोना, उस बहुत रोया हैं, रोते रोते बोले महाराज ऐसा व्यवस्था करो इसी जन्म में मेरे को भक्ति प्राप्ति भगवान प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में मेरा भक्ति भगवान प्राप्ति हो ऐसा व्यवस्था करो, ये भी बोला। और आधा घंटा बाद गाड़ी में चलते चलते बोला एसी को फुल कर दे। ये हमको हंसी आया, देखो एक जरा सा भी कष्ट नहीं कर सकता है, कर सकती, इसका ऐसा हालत है। तो भोग बुद्धि जब तक ना जाए तब तक कोई समाधान नहीं। पाप कर्मों के द्वारा निर्वेद प्राप्त हो तो बोले हम कभी नहीं करेंगे, अभी अच्छा रास्ता पे चलेंगे, ठाकुर जी को भजन करेंगे, ये हो सकता। पुण्य कर्मों के द्वारा जो भोग विलास मिलता है और उसमें और भी उलझ जाने का रास्ता है। पुण्य से सुखेर धाम नालोयो तार नाम, नरोत्तम ठाकुर जी ने इसलिए बताया। तो ये जो पंचसुना हमारा, ये जो अभी जो पंचो यज्ञ है, इसके द्वारा पंचसुना से रिहा पा सकता है, रिहा मिल सकता। ये पंचसुना ऐसे तो हो ही जाएगा, हम अगर पुण्य कर्म करें भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, ऐसा जो अनुष्ठान करने वाले जो है अपना सुख और इंद्रिय तृप्ति जितना तक हुआ है, बाकी जो है जगत मंगल रक्षा पूर्व शिकार, जगत मंगल के लिए ना, और ये लोग अगर जो कुछ भी करे इसमें अगर ठाकुर जी को अगर जगत मंगल रक्षा पूर्वक अर्थात ठाकुर जी के लिए अगर करे कर्म जो यज्ञ किया और यज्ञावशेष अगर ये पा लिया, यज्ञों का अवशेष जो पाता है सारे पापों से उसका मुक्ति होते रहते, ये होता ही है, ये नियम है। तो ऐसा करके बताया। और एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयतीह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थो सजीवोति, ये बेकारी अपना जिंदगी को चला रहा है। इसमें हर वक्त ये सोचना चाहिए, भगवान जो गीता में बताया सर्वभू भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वभूत महेश्वरम, हम तमाम यज्ञों का भोक्ता है, तमाम यज्ञों का भोक्ता है। इतना गहरा विचार है, इतना गहरे से इसमें इस तक पहुंचना भी मुश्किल है, इस तक पहुंचना भी मुश्किल है। देखो कैसे कैसे महापुरुष लोग संसार करते थे, संतान आदि पैदा होता था और फिर भी इसका कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, कैसा करके है, सारे भगवान का कृपा समझ के कहते थे। ये सर्वम सर्वगतम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये जो है ये तो सचमुच है। आ तमाम ये सब यज्ञ करने का बाद भगवान का बारे में कोई धारणा नहीं आया, चिंतन नहीं आया, तो बेकार है। ऐसे करके भगवान का जो जगत चक्र है, जगत सृष्टि का जो चक्र है, जगत चक्र कर्म चक्रों का ये भगवान का ही है, सृष्टि भगवान का है, और इसमें अगर हमारा योगदान कुछ है तो अच्छा है। ये योगदान करते करते धीरे धीरे क्या होता है, अपना अहंकार को भी छोड़ना असंभव नहीं है, अपना अहम भाव को छोड़कर बस ये ऊंचा रास्ता में धीरे धीरे अपना सेल्फ रियलाइजेशन आत्मानुभूति आत्मानुभूति के रास्ते पर आस्ते आस्ते चलना शुरू कर दिया, कोई असंभव नहीं, ये हो सकता है। इसलिए जो भगवान का जो जगत चक्र चल रहा है इसमें योगदान जरूरी है, अपना
अपना हैसियत से अपना क्षमता के अनुसार करना चाहिए, करो कोई बात नहीं। अगर कोई प्रश्न करे जे महाराज युधिष्ठिर महाराज जी का क्या दरकार था, वो तो भगवत भक्त है, वो कैसे का किया, यज्ञ करना नहीं चाहिए था, क्या दरकार था। बात ये है कि पूरा पौराणिक युग को देखो, महाभारत महाभारत आ तो पौराणिक युग को, पौराणिक युग को देखो, उसमें तमाम राजाओं ने बड़ा बड़ा यज्ञों का समेद आदि, रामचंद्र का भी उधर देखो विचार करके उधर भी है, लवकुश अश्व को पकड़ लिया था, ये सब जो करने का जो विचार आता है उस जमाने में सब चलता था, उस जमाने भी था ये यज्ञ, आदिम युग से यज्ञों के द्वारा बड़ा धूमधाम बड़ा ये सब अनुष्ठान आदि, बहुत सारे बड़ा बड़ा अनुष्ठान बड़ा आडम्बर के साथ बड़ा हौसला के साथ करते थे, राष्ट्रीय अश्वमेध आदि, और धर्मराज युधिष्ठिर भी राष्ट्रीय यज्ञ आदि किए थे, ये हमको जानकारी है, और बाद में अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, लेकिन कैसे किए थे, कैसे किया, भले ये भी ठाकुर जी का इच्छा से, भगवान का आदेश, और भगवान क्यों आदेश किए, भगवान का भी आदेश करने का क्या दरकार था, राष्ट्रीय जोशीय आदेश भगवान श्री कृष्ण आदेश किए, जो श्री महाराज किए, सारे साधन है मौजूद हुआ, ठाकुर जी भेज दिया, लेकिन किया क्यों, और ठाकुर जी भी उपदेश क्यों दिया, ये भी कारण है। शायद आपका ख्याल है जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को पूछ रहा है, उद्धव ऐसा ऐसा हालत है, ये विपत्ति है चारों ओर, इसमें क्या क्या करना चाहिए आप बताओ, अब सलाह दो विचार करके। उद्धव जी महाराज ने विचार करके बताया जे प्रभु आपको जाना चाहिए हस्तिना, ये तुम्हारा वो युधिष्ठिर महाराज का राजधानी में आपको जाना चाहिए, और उसमें ये सब व्यवस्था करना चाहिए, इसमें वो जो जरासंध आदि जो है ये भी बहुत इतना इसका क्षमता हुआ है, वो कुछ भी कर सकता, इतना बदमाश है, तो आपको हाल निकालना चाहिए, जाना जरूरी है, यज्ञों का यज्ञ हो जाएगा और इसको भी समाधान हो सकता, भगवान का ही इच्छा, ये जो उद्धव जी ने बताया ये भगवान का ही प्रवचन, लेकिन उद्धव जी का मुंह से निकाला। जैसे राय रामानंद संवाद में आप देखे कि प्रवचन दिया राय रामानंद जी और महाप्रभु सुनते चले, लेकिन असली बात तो ये है, राय रामानंद जी कहा जे है ना, राय कृष्णदास को विराज उस समय लिखा राय मुखे वक्ता स्वयं घोर राय, राय मुखे राय रामानंद का जवान पे स्वयं भगवान गौरचंदो कह रहे और खुद ही सुन रहे। आप भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा कीर्तन किया, ये कोई असंभव बात नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन करके दिखाया, अतिथ्य महाराज शिल भक्ति वाला अतिथ्य सिंह महाराज जी अक्सर गाते थे ये सब बहुत सुंदर। भले देखो पियाइया प्रेम मत्त करी मोरे सुनो निजो गुणगान, ठाकुर जी आपका प्रेम मेरे को बहुत पिलाओ कृपा करके, आप पिलाने का बाद हमारा जवान से जो निकालते रहेगा और आप सुनते रहे, ठाकुर जी का महिमा है, कीर्तन है, कथा है, कथा कोई बोल नहीं सकता, ये तो ठाकुर जी का व्यवस्था हो सकता, कोई अगर बोले तो हम प्रवचन दिया वो गाधा है आदमी नहीं है, प्रवचन दिया नहीं जाए, भगवान गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा जवान पे उतार आए, वैकुंठ जगत का साथ अगर कनेक्शन नहीं है ये हरिकथा नहीं है, टट्टी पेशाब का बराबर, भक्तिमोहन ठाकुर जी ने बताया, वैकुंठ भगवान भक्तिमोहन ठाकुर ने खुद बताया, भगवानेर निजोजन छाड़ा वैकुंठ वार्ता केहो ही बोलते पारे ना, केहो ही बोलते पारे ना, भगवानेर जो लोग भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ये लोग कभी वैकुंठ वार्ता बोल नहीं सकता, वैकुंठ वार्ता वन काइंड ऑफ मैसेज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड वी आर
साधु गुरु वैष्णव, यह है हरि कथा। भक्तिमय ठाकुर ने खुद बताया। तो बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण पूछ रहा है मंत्री विशीनांग पवरो मंत्री हैं, ऐसा है आप बृहस्पति का शिष्य है जबकि ये भगवान का पार्षद है, ये है देवता है, एक कौन किसका शिष्य है, ये भी मजादार है, ये भी एक लीला है कि समझ में नहीं आएगा किसी को ये सिद्धांत क्या है, भगवान ऐसा लीला करते हैं। तो दो उद्धव को पूछा, उद्धव बोले था देखो प्रभु जी आपको जाना चाहिए, इसमें युधिष्ठिर महाराज का जो इंद्रप्रस्थ में जाना चाहिए, ऐसा स्थिति में आप जाने से अच्छा है, हमको दिखता है अच्छा होगा बहुत, ये सब परिस्थिति स्थिति ऐसा है, आप जाओ तो कुछ समाधान हो सकता है। और जरासंध शिशुपाल आदि बहुत इतना बढ़ा है, बढ़ के रहा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इतना इसका अभिमान अहंकार है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, ऐसे तो ठाकुर जी का ही विचार, लेकिन उद्धव का मुख से सुना ठाकुर जी, फिर गया और राष्ट्रीय योग्य का बारे में उद्धव जी महाराज बोले हाँ ये योग्य होनी चाहिए, होने से अच्छा है। अब बात ये है कि योग्य तो आपने मना कर दिया होगा, मना किया नहीं, लेकिन ये कामना वासना लेके राष्ट्रीय युग, अरे कोई जिंदगी में है कोई राष्ट्रीय युग किया है कि कामना वासना नहीं है, ऐसा दिखाओ लहे, ये तो है ही है, युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज का कोई चाहत नहीं। गीता में भी देखो सात्विक राजसिक तामसिक यज्ञ तामसिक दान राजसिक दान तमाम सब एकदम साइंटिफिकली विज्ञान भित्तिक रूप से भगवान विचार करके स्थापना कर दिया। बस हमको देखना चाहिए गुरु वैष्णव का अनुगत्य में तमाम जिंदगी रसमय हो जाएगा, कोई समस्या नहीं बचेगी, लेकिन कौन देखे, टाइम ही नहीं है, सब माया में उलझे हुए। तो राष्ट्रीय युगो तो काम कर्म है महाराज, राष्ट्रीय युगो कौन करता है, ये तो डोमिनेंसी पूरा डोमिनेट करने के लिए सबको है ही है। फिर भी युधिष्ठिर महाराज भगवान का आदेश मानते हुए ये अनुष्ठान किए, अपना मनमानी नहीं किए, निष्काम रूप से कर्तव्य कर्मों भगवान का आदेश पालन करने के लिए किया है। अश्वमेध योगमी बाद में ये सब देखोगे विचार करके। और युधिष्ठिर महाराज का महाभारत में है खुद का प्रवचन है, युधिष्ठिर महाराज खुद स्वयं बोल रहे हैं द्रौपदी जी महारानी का सामने, युधिष्ठिर महाराज खुद बोल रहे हैं नाहम कर्म फलान्नेशी राजपुत्री चरामी उतो ददामी देयम इति एव जजे जष्टव्यम इति उतो। हे राजपुत्री, कर्मफल हमारा अन्वेषण नहीं है, बस करना जरूरी है इसलिए कर रहा हूं। नाहम कर्म फलान्नेशी राजपुत्री चरामी उतो ददामी देयम इति इति हैं बोले ददामी देयम इति एव जजे जष्टव्यम इति उतो धर्मो वाणिज्यको धर्मो वाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादी नाम। हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, देखो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हम कोई बोनिक नहीं है जो ये धर्म को भी बिजनेस में बता दिया। आज का हालत ही है, कुछ भी रैंक में हो ये धर्म को भी बिजनेस में बदल दिया, प्रॉफिट होते रहेगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंस्टीट्यूशन, कोई नहीं साबित कर सकता कि हमारा कोई गीता छो सालगाम छो नृसिंहदेव के छो के बोलो तुम्हारा कोई मकसद है बोलो, और नहीं है किस लिए कर रहे हो, वो बोल नहीं सकेगा, डर जाएगा। जब ही वो लोग तर्क करे ना हम सालगाम नृसिंहदेव लेके जाए, वह इसको स्पर्श करके बता तेरा मकसद क्या है, चला रहा है सब
बोल नहीं सकेगा, डर के मारे भागेगा। तीर्थ महाराज बोलते थे कोई नहीं है जिसका हिम्मत है, आओ प्रतिज्ञा करके बताओ हमको भजन, भगवत भजन चाहिए। भगवत भजन नहीं चाहिए हमको, हमको बिल्कुल भगवत भजन नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। भगवान भगवत भजन हमको नहीं चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए तो हम कर रहे। सुख संपत्ति मिले घर का, कष्ट मिटे तन का, इसीलिए जय जगदीश हरे। नहीं तो कौन करने जाता है बा, इतना कष्ट उठाने जाता है, जय जगदीश है। सो ना हम कर्मो फलान्वेषी राजपुत्री चरामियुत, ऐसे ही मैं कर रहा हूं राजपुत्री, मेरा कर्म कर्म फल का प्राप्ति का कोई अन्वेषण नहीं है, इच्छा नहीं। दान करना जरूरी है इसीलिए दान करता हूं, इसमें भी कोरा ये दान करे तो वो मेरे को ये यू नो ये हम दान कर रहे हैं इसी आशा लेके, ऐसा नहीं। यज्ञ करना जरूरी है, ठाकुर जी आदेश किया है यज्ञ करना जरूरी है, इसलिए कर रहा हूं। धर्म आचरण कोई भी कुछ कुछ भी मैं कर रहा हूं हे महारानी, मैं धर्म आचरण कुछ भी कर रहा हूं ये इसका पीछे मेरा कोई बिजनेस पॉलिसी नहीं है। मैं बनिक नहीं हूं, धर्म बनिक नहीं हूं, बिजनेस धर्म बनिक, कितना सुंदर टर्म देखो है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, स्पिरिचुअल माफिया, स्पिरिचुअल बिजनेस ये सब चल रहा है। धर्म बनी कोई अन्याय बगल में हो बोलने का हिम्मत नहीं। अरे महाराज हम बड़ा वैष्णव बोलने जाए तो क्या, वैष्णव हो तो बोलना चाहिए, ठीक ही बात। प्रभुपाद वैष्णव नहीं थे, भक्ति मिठोर वैष्णव नहीं, केशव महाराज बिल्कुल, संत महाराज कोई वैष्णव नहीं, इसीलिए वो लोग प्रतिवाद करते थे। अरे प्रतिवाद करना भी भक्ति है, सीखो भक्ति मिठोर को दिखाया, केस करना भी भक्ति है, कौन करने जाए, तमाम दुनिया का रुपया जानते हैं यह पतित है, इसका तिरंड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी चलने दो महाराज, कौन लड़ाई करने जाता है, हैं? ठीक है चलो, समाज संसार का सत्यनाश कर दो, संप्रदाय का तुम्हारा ही तरक्की हो जाए। तो ऐसा ना हम कर्मो फलान्वेषी राजपुत्री चरामियु तो ददामि देयम् इति एव जजे जष्टव्यम् इति उतो, धर्म वाणिज्यको हीनो हीनो जघन्यो धर्मवादिनम, ऐसा बोला। तो ये जो है, ये जो सचमुच ये एक भगवत भक्त का ही प्रवचन है, एकमात्र एक भगवत भक्त, सच्चा भगवत भक्त युधिष्ठिर महाराज जैसे, ये ऐसा इसके लिए बोलना कोई असंभव नहीं, ये बोल सकता है युधिष्ठिर महाराज, कभी झूठा भी बोलना नहीं चाह। जब असत्थमा मारा गया तो युधिष्ठिर महाराज को बोला गया तुम बोलो ऐसा, बोले हम कैसे झूठा बोले, अश्वत्थामा मारा गया, बोले महाराज नहीं होने से इसको पराजय करना बहुत मुश्किल है, ये तो आप बता दो। बोला ठीक है युधिष्ठिर महाराज जी, इसके लिए भी पनिशमेंट मिला युधिष्ठिर महाराज जी को है। द्रोणाचार्य जी बोला युधिष्ठिर बोले तो हम विश्वास कर ले, हम तो विश्वास ही नहीं करता, हमारा पुत्र कैसे मारा जाए, अरे बाप रे बाप इतना पावरफुल है। बोले युधिष्ठिर महाराज बोल दिया अश्वत्थामा हतो, आस्ते में बोला आस्ते करके इति गजो, अश्वत्थामा हतो जोर से आर इति गजो, बहुत अच्छा बोला, अश्वत्थामा बोल के जो हस्ती है वो मरा गया, झूठा तो बोला ही है लेकिन फिर भी झूठा नहीं, लेकिन फिर भी इसका लिए एक बार युधिष्ठिर महाराज को पनिशमेंट मिला, लिखा है जो भी है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण भी कैसा है कि इसका लिए तो इसको आदेश किया यज्ञ करो, भले इसका पीछे कारण है, ये कृष्ण भगवान जी उपदेश दिया है, महाभारत में आता है, महाभारत आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से क्या है आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। प्रभुपाद का कहना है कि युधिष्ठिर प्रभुपाद का विचार है आप महाभारत पढ़ने मत जाओ, चैतन्य भागवत पढ़ो, पढ़ करो, क्या चाहिए जिंदगी में, भक्ति चाहिए ना, न पंडिता ही चाहिए, क्या चाहिए है, भले महाभारत पढ़ने जाओ तो इसमें कन्फ्यूजन आए, भले ये ऋषि ने ऐसा क्यों किया, ये राम छी 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 ऐसा क्यों किया,
ऐसा आ जाएगा, समाधान नहीं हो पाएगा। इसीलिए महाभारत आपको पढ़ने का दरकार नहीं। गौड़ीय वैष्णव चैतन्य भागवत पढ़े अच्छा है। हाँ, कुछ घटना को मान के चलो, कुछ घटना है वो तो एविडेंस है, वो तो जरूरी है, लेकिन तमाम पढ़ने जाओ तो आपको इसमें मोह आ जाएगा। ऐसा कैसे विधिवत से ऐसा किया, छी 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 वो कैसे ही किया, ऐसा आ जाएगा विचार। आप समझोगे नहीं, आपको समझना मुश्किल है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहते थे महाभारत पढ़ने का अभी जरूरी है नहीं, आप चैतन्य भागवत पाठ करो। ये वो भक्तिमोहन ठाकुर तो अक्सर बोलते थे भक्ति चाहिए तो चैतन्य भागवत पढ़ो, यहाँ तक कि चैतन्य चरिता में भी तो अभी छोड़ दो, ये विचार तुम्हारा दिमाग में घुसने वाला नहीं। भागवत पूरा एकदम कृपा प्राप्त करने का बावजूद भी ए जो हमारा चैतन्य चरितामृत है, इसका किसी किसी सिद्धांत में आपका समाधान नहीं भी होता, क्योंकि चैतन्य चरितामृत का जो विचार है बहुत ऊंचा विचार। जब भी भागवत है चैतन्य चरितामृत तो अलग नहीं है, श्रीमद भागवत जी महापुराण मतलब कृष्ण, तो यही बात बताया श्री चैतन्य प्रभु मंदे, ऐसा लिखा है ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य प्रभु मंदे बालयोपी जदनुग्रहात् तरे नानामत ग्राहम व्याप्त सिद्धांत सागरम। चैतन्य महाप्रभु का अगर कृपा मिल जाए अनंत सिद्धांत सागर का बेरा पार होके जाओ, ये लिखा हुआ है सचमुच। जब भी भागवत में कृष्ण का ही प्रवचन सब कुछ है, गौरंग महाप्रभु का बात सूक्ष्म रूप से है, खुला रूप में कृष्ण वर्ण तसा इस इधर है और जगह है और द्वेक जगह है। विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने बताया, विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने बताया ये गौरंग महाप्रभु का लिए ही बताया गया, लेकिन ओपन रूप से चैतन्य महाप्रभु का बात भागवत में आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन वेद में है, वेद में है। कौन कौन वेद में कैसा कैसा है, हम एक छोटा सा किताब निकाला था, उसमें वेद से चैतन्य महाप्रभु का पूरा प्रमाण देंगे, बहुत सारे हैं, कोई जानना चाहे तो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये जो श्रीमद् भागवत जी महापुराण है ये कृष्ण ही है, ये पढ़ने का बावजूद भी अगर सही ढंग से सदगुरु का कृपा नहीं मिला हो और गौरंग तत्व अगर पक्का पता ना हो, तो आपको तो भागवत पता है जरूर है, ये नहीं कह रहे हो कि आपको भागवत पता नहीं है, फिर भी चैतन्य चरितामृत का एक एक विचार बताने जाओ गौरंग महाप्रभु का अगर कृपा नहीं है तो असमझ नहीं पाओगे। इसीलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ये बात को लिखे श्री चैतन्य प्रभु मंदे बालोपी जदनुग्रात, अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल गया तो बच्चा भी है वो सिद्धांत सागर को पार करके चले जाए। कर्णपुर कवि कर्णपुर एकदम बच्चा 5 साल का, वो अद्वैत गोसाई का बच्चा है अच्युतानंद, हरि राम राम, अद्वैत गोसाई गोदी में लेके चुम्बन किया, अरे तुम ही मेरा बाप हो अच्युतो, तुम ही मेरा बाप हो, अद्वैत गोसाई बोलना शुरू कर, बेटा तू मेरा बाप है, हम तेरा बेटा है, ऐसा सिद्धांत तो बता दिया तू है, ऐसा ही है। जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल गया मतलब राधा गोविंदो दोनों का ही कृपा दोनों का कृपा हो गया, तो दोनों का आश्रय और विशेषणा तमाम चीजों का ध्यान में आ जाए। एक गौड़ीय भक्तो, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये वैशासन में बैठ के मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, इतना मेरा विश्वास है। एक गौड़ीय भक्त जो वास्तव गौड़ीय गौड़ीय मठ का अब वास्तव ये क्या चीज है, ये समझना बहुत मुश्किल है। बामन गोस्वामी महाराज को पूरा तमाम शास्त्रों का जो डिक्शनरी बोला जाता था, डिक्शनरी है कई भी बोलो, अरे बाप रे बाप, सोच नहीं सकता कैसे इसे कैसे संभव है, तमाम दुनिया का चीज पता है। ये गुरु जी का कृपा है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा, उपात का कृपा भी मिले हैं, हरिनाम लिए हैं, वाह कितना चमत्कार, देखो विचार। ये लोग सचमुच सेवा करके, सेवा करने के बाद ये क्षमता प्राप्त की, इसका लिए बिल्कुल अभिमानी नहीं। एकमात्र एक गौड़ीय वैष्णव जो है
कितना सारे प्रतिवाद ग्रंथों भवन गोस्वामी महाराज केशव गोस्वामी में लिखा है, हैरान हो जाओगे, हम तो सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर। आह कितना सारे, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने, एक छागल ने डॉक्टरेट किया और चैंसलर भी इडियट है, उसको डॉक्टरेट उपाधि दिया। वो चैतन्य वहां पर मौत के बारे में बोला पिटाई करके मारा पंडाल, बोलो ऐसा प्रतिवाद किसी ने किया? अरे हम वैष्णव है, कैसे प्रतिवाद करने, तुम वैष्णव हो, वैष्णव हो तुम, अरे वैष्णव हो तो गुरु वैष्णव का संप्रदाय का अगर नुकसान हो तुम्हारा, तुम्हारा कष्ट होना चाहिए, हो नहीं रहा, इसके तुम गौरियामठ का कोई नहीं हो, वैष्णव तो दूर की हो, तुम गौरियामठ का कोई ताल्लुकात नहीं है तुम्हारा साथ, ऐसा बोल नहीं सकते, संप्रदाय सत्यनाश करने वाला बात है। प्रतिवाद किया था, कितना सुंदर प्रतिभा, हमको भी एक किताब दिया, हम पढ़ के बहुत आनंद लगा, वाह बढ़िया। केशव गोस्वामी महाराज गोहत्या आंदोलन का हमको ये बाद में बोला, हम जब किताब निकाला बहुत दिन हो गया, उसके बाद एक दफे कलकत्ता गया, एक साल डेढ़ साल बाद किसी काम पे गया था कलकत्ता मन में, पर्यटक महाराज भरे, अरे आपने किताब लिखा, हमारा गुरु जी तो बहुत पहले प्रतिवाद किया था, अच्छा हम तो उसका बेटा है, शायद हमने भी किया, तो ये ऐसा ही है। साधु नियंत्रण आइन, साधु कंट्रोलिंग रूल्स, केशव गोस्वामी महाराज प्रतिवाद किया सरकार को, अरे बाप रे बाप, ऐसा साधु होनी चाहिए क्या? अपना मठ है, ये है अपना, पूजा कराओ ये कराओ, ये क्या है ये सब, ये क्या है गंदगी। ओह भगवान, तो जो भी है देखो ये जो क्या बात है, ये जो भगवान श्री कृष्ण किस लिए आदेश किए हैं, ये इसका मतलब ये है, कोई अगर प्रश्न करे, अगर राष्ट्रीय यज्ञ जैसा इतना बृहद यज्ञ करना ही है, इसमें फलाकांक्षा वर्जित राष्ट्रीय यज्ञ करने का क्या मतलब है, क्या कारण है, ये तो कोई मकसद नहीं है बेकार। बोला नहीं मकसद है, कौन सी कारण है, कौन सी कारण है, ये आपको जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी नहीं, ठाकुर जी को जानकारी है, ये सर्वद्रष्टा है, ठाकुर जी सब देख सकता है, ठाकुर जी ने ये व्यवस्था की, इसलिए राजस्व यज्ञ के द्वारा बहुत सारे तमाम फायदा हो सकता है। तो ये यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के लिए, जब नकुल सहदेव शायद सहदेव ने बताया प्रथम पूजा किसका होनी चाहिए, सहदेव ने उठ के बोला कृष्ण का पूजा होना चाहिए, शिशुपाल ने गाली देना शुरू किया, अरे बेजानमा है जिसका खानदान का कोई ठिकाना नहीं है, ग्वारिया है इसका पूजन करे पहले, पागल है क्या, इसमें कितना ऋषि मुनि बैठा हुआ है, कितना सम्मानी। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बताया, गाली देते चले देते चले देते चले, 108 गाली अपराध हो गया। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाया, उसको गले को अलग कर दिया धर से, लेकिन एक बूंद खून भी वो यज्ञ स्थली में नहीं गिरा, क्योंकि गिरने से फिर पुनः पहले से शुरू करो, जैसे लूडो खेलते हो ना, सांप का मुख में चला गया, महाराज एक पॉइंट था, हम तो पूरा सक्सेस का दरवाजे पे पहुंच गया, अब तो क्या हुआ, लूडो है उसमें सांप बैठा है, पूरा नीचे चले गए जीरो में पूरा जिले में जीरो में पहुंचा दिया। ऐसा ही है ये भजन, अपराध अपराध करोगे पूरा जीरो में पहुंच जाओगे, अब कुछ नहीं है कुछ नहीं है इसमें रखा। हाँ तो इसमें कारण क्या है, ठाकुर जी जानता है, ये जरासंधर शिशुपाल ये धर्म विद्वेषी जो है मायावादी अत्याचारी और इन लोगों का जो सहमत वाले जो है उसका जो अनुसरण करते हैं, ये जो ये बड़ा उदम मचा के रखे हैं, और धर्म राज्य में एक छत्र अधिपति करना अधिपत्य स्थापन करना संभव नहीं है, ये लोग जब तक जिंदा है बहुत बदमाश। और फिर जरासंध 100 ये तो अपना मकसद बना लिया, 108 राजा को काटेगा, नरमेत करेगा राजमेत, पूरी बाप रे बाप। और ये तैयारी में था
100 राजा तो ऑलरेडी उसका कैदी उसको काटेगा, हाय हाय 100 राजा को बलिदान देने का चक्कर में, और 86 निपति ऑलरेडी पराजित हो और बंधन में पड़ा हुआ है और मौत का अपेक्षा में है, और क्या किया जाए, उसको भी रिहा करना जरूरी है, हैं? वो भी प्रार्थना किए है ठाकुर जी को, हम तो हम लोगों को बचा लो किसी भी हालत से, हमने क्या अन्याय किया हमको काटेगा। तो युधिष्ठिर महाराज का ये राष्ट्रीय युगों के दौरान ये सारे उसका जो व्यवस्था है सब फेलियर हो गया, कामयाबी नहीं मिली। जब युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय युग कर दिया वो सक्सेसफुल, ठाकुर जी संग में है इसलिए सक्सेसफुल है। अगर जो ठाकुर जी सहाय, ठाकुर जी सहाय नहीं है तो कौन का कामयाबी है, कौन सक्सेसफुल हो सकता। तो इससे युधिष्ठिर महाराज के युग के द्वारा बहुत सारे फायदा मिला है। एक तो है जगत में धर्मराज्य का प्रतिष्ठा हो, धर्मराज्य का प्रतिष्ठा करे। इसका साथ साथ इन लोगों का बदमाश जो राजा है जरासंध, इसका जरे प्लान एंड प्रोग्राम जो पंचवार्षिक परिकल्पना 5 ईयर्स प्लान सारे पानी में गया। चलो और युद्ध अवसान जब होने के बाद ये सब जब बदमाश लोग मारे गए, उसका बाद भगवान श्री कृष्ण का आदेश के द्वारा युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ भी किए। किसने दिया आदेश, इसमें उसका कोई इच्छा नहीं, भगवान बताया ठीक है। और इस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को जितना सारे प्रवचन दिए हैं, इसका नाम है काम गीता का नाम है प्रसिद्ध, बहुत सुंदर सुंदर बातें कहे। इसका मकसद है, इसका लक्ष्य है जो अंदर का जो कामना अहंकार है इसको कैसे काटा जाए, इसका बारे में काम गीता में खुल्ला खुल्ला खुलासा किया ठाकुर जी, बहुत सुंदर। इसका नाम काम गीता। युधिष्ठिर महाराज शोक भरे नाले सुनाए और बोले हम रह के क्या करें, सब तो चला गया। जब ऐसा जो हालत है, इस समय पे जंगल जाने के लिए तैयारी में थे युधिष्ठिर महाराज, अरे हम क्या करें, हम तो हैं युधिष्ठिर महाराज सचमुच फर्स्ट पूछो तो निष्किंचन है। युधिष्ठिर महाराज बोले हम जंगल को चले ही जाएंगे। भगवान बोले देखो जंगल में क्यों जाओगे, जंगल में जाके क्या करोगे, जंगल में जाने से कामना वासना नहीं जाता, विषय तक करके चले जाओ तो कामना को कैसे त्यजोगे। विषय तक का मतलब यह नहीं कि कामना वसना चला गया, इससे तो बढ़कर ये है कि तुम तमाम दुनिया का जो विषय है भगवान का भजन करते करते बाहरी दृष्टि में लोग कहे कि भोगी है, ठीक है, लेकिन प्रसाद विचार करके भोगो, लेकिन अंदर में कोई आसक्ति है नहीं, ये सबसे बड़ा चीज है। जब बन 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 को जाने के लिए तैयारी में है, कृष्ण बोले नहीं मत जाओ दादाजी, अरे दादा बड़े भाई मत जाओ, विषय तय करने से ही आसक्ति त्याग नहीं हो पाता, अनासक्त रूप से ये राजधर्म पालन करो, ये भी एक यज्ञ है, ये यज्ञ भगवान को सामने लेके सामने रख के पल पल में भगवान को सामने रखे। युधिष्ठिर महाराज ने ये सब यज्ञों को निभाए हैं, इसमें कोई दोष नहीं, कुछ दोष नहीं, कुछ नहीं। ये सात्विक दान सात्विक यज्ञ दान तपस्या आदि चित्त शुद्धि कर कर्मों के द्वारा हृदय से कामना वासना को कर्म करते चलो, कर्मों के द्वारा हृदय का जो कामना वासना है इसको काटने का कोशिश करो, क्योंकि कामना कर्मों के द्वारा सब ईश्वर अर्पण कर्मयोग्य। सोचो ये महान विश्व में जो योग चल रहा है इसमें तुम्हारा आपका भी योगदान हो, जैसे बीमारी ऐसा परहेज ऐसा ही दावा, हुआ कलेरा दे दिया मेलेडी का दवा, ऐसा चल रहा है,
हुआ तो कलेरा, इसको दे दिया मलेरिया का दवा, खा ले गोली, खा ले दो दो करके, ऐसा ही हालत हो रहा है सब मठ में। जो आए उसका हालत क्या है, किस स्थिति से आया है, ये प्रभुपाद का जमाने में ये सब विचार, क्यों आया है। ऐसे भी हो सकता खून खराबा करके मठ में आ गया, खराब काम करके क्यों आए हो, क्या दरकार है, परीक्षा भी दर, अरे आया है लाए पूजा में घुसा दे, पूजा का आदमी नहीं, अरे पागल चागल, ये किस लिए आया है देखे तो विचार करके, तमाम हंगामा मचा देगा मठ में, बदनामी कर देगा, और देखो तो सही किस लिए आया है, अरे भर्ती हो जा मठ में, हो गया बिना पैसा खाते रह, विषय का अन्न खाते रह और नरक में जाते रह, मठ में तो है, मठ में ही तो है, ठीक ही तो है, कौन विचार करेगा, कोई है परम सिद्धर गोस्वामी महाराज गया, कितना सूक्ष्म विचार, कितना बार बोला अरे मठ मंदिर मत कर, एक आई रहने दे, नहीं हम करे, हम चल जा कर, तू समझ जा करके क्या करोगे मठ में, मठ करके क्या करोगे, मठ करोगे तो आचार्यों का जरूरी है, आचार्यों का जरूरी ना, एक बड़ा मठ कर दिया गुरु जी चला, अब मठ का जरूरी है तो क्या है। हर जगह हमने ओडिशा में भी एक लड़का को बोला, अरे जमीन दिया है एक आदमी क्यों मठ कर रहा है, क्या करे, महाराज दिया है हम मठ करेगा, हम कर करोड़ रुपया खर्च कर मत किया बस, अब आदमी गुरु जी चले, अब गुरु जी गया तो तुमको ही आचार्य बना दे, ये संपत्ति तो तुम्हारा ही है। भजन का विचार कोई करना नहीं चाहता, सब मेटेरियल बुद्धि लेके चल रहा है, क्या करेगा, एक मटका आचार्य बना दे, कितना बड़ा बात है, तमाम दुनिया का बोझ मेरा उस सर पे आ गया, एक भी गलती हो गया मेरा साथी में लाठी लगेगा, कोई भी अपराध हो पाप हो सब हमको भोगना पड़ेगा, ये कोई समझता नहीं, कितना बड़ा, कितना क्षमता होनी चाहिए एक आचार्य का, पाप रे बाप, सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान नहीं, शास्त्रीय ज्ञान होने से क्या है, बहुत सारे शास्त्र ज्ञान है मुखस्थ कर लिया, उसका अनुभव होनी चाहिए, चौबीसों में चौबीसों घंटा भजन में लगन लगा के बैठा है ठाकुर, जब तक ठाकुर जी का चरण का टच, गुरु जी का चरण का टच स्पर्श छोड़ दिया, बस उसी समय माया घुसेगा, जब तक गुरु जी का चरण का पकड़ के रखा है एकदम ठोस के, तब तक कोई मुसीबतें नहीं आ पाए, जब छोड़ दिया बस आ गया माया, तब तो आचार्य क्या है, हम नरक का कीड़े बन जाएगा, कोई समझता है कोई, कितना गंभीर बातें हैं, अरे बाप रे बाप, अरे हमको पूजा करे लोगा माला देगा चरण धोगा, अरे राम राम राम, अरे शर्म आता है, कोई दंडवत करे तो शर्म आता है, क्यों दंडवत करे हमको, दंडवत करो तो माला चढ़ो तो गुरु जी को चढ़ाओ, प्रभुपाद को चढ़ाओ, हम क्या है, हम तो खुला ऐलान कर दिया, ऐसा करोगे तो हम बंद कर देंगे, कथा बंद कर देंगे, जाओ भक्ति उधर दिखाओ, जाओ अगर अंदर में है तो रखो, ठीक है संभाल के रखो, दिखाने का दरकार नहीं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पूजा, कुछ नहीं चाहिए, बैठो सुनो और विचार बनाओ, हमारा अभी गौड़ीय संप्रदाय में हमको चाहिए, हमारा चाहिए पूरा खानदान के लिए एक ही चीज, वह है भक्त चाहिए, और कुछ नहीं, मठ मंदिर कुछ नहीं चाहिए, संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए काबिल आदमी, जो गौड़िया मठ का काबिल है, जो सचमुच कह सके ये गौड़िया तमाम शस्त्र मुकुस्त है, बस लड़की का चक्कर में फंस गया, क्या करें हम उसको लेके, क्या करें, आइडियलिज्म का है वो, शास्त्रो ज्ञान का क्या मूल्य है, जब शास्त्रो ज्ञान किया इतना मुकुस्त है सब कुछ है जानते हो सिद्धांत तो लिखते हो, बस फंस गया तो उसमें क्या फायदा, समाज का क्या मंगल मिलेगा, बोलो तुम्हारा जिंदगी के द्वारा थारी याद है तो क्या है, उल्लू का ही का ये जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि देखो आप भागने से कुछ नहीं है, भागने से कुछ नहीं होता, आप तमाम ये इसमें रहो, राज्य राजधानी को चलाओ, मतलब है ठाकुर जी का सेवा मान के चलो और ये कर्म करते चलो, लेकिन अंदर में वैराग्य बढ़ते चले, कर्म नहीं करने से, कर्म द्वारा कर्म नहीं करने से चित्त शुद्धि कुछ नहीं हो, ये सात्विक योग दान तपस्या चित्त शुद्धि करे तो करना चाहिए, चाहिए ये जरूर चाहिए, करना चाहिए,
एक बच्चा का भी हाथ में बाबा 10 रुपया दे के बोले ए महाराज जी को दे, इसमें क्या बच्चा का संस्कार भी चेंज हो जाए। अरे बच्चा सोचता हम दे रहा है महाराज जी को, ऐसा करके तो संस्कार चेंज होता है ना, ऐसा होनी चाहिए। ऐसा है, ऐसा असमित योग्य, ऐसा जो असमित योग्य राष्ट्रीय योग्य इतना बड़ा बड़ा योग्य है, इसमें कितना करोड़ों करोड़ों रुपया का खर्चा है, क्या संपत्ति व्यय, वो हमको हिसाब नहीं है। हमने सुना है हमारा गुरु वासे ये जो इतना ऐश्वर्य है युधिष्ठिर महाराज का, ये स्वर्गराज इंद्र भी हैरान होकर रह जाते। अरे बाप रे बाप, बलि महाराज का सूतल में कितना ऐश्वर्य, स्वर्गराज का भी ऊहू। अब ये सब संपत्ति का हिसाब तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन इतना बोल सकता है जितना सारे योग्य है, असमय योग्य है, राष्ट्रीय योग्य है, कुछ भी है, ये सब जो कुछ है, इससे सबसे बढ़िया है हमारा चैतन्य महाप्रभु का दिखाया हुआ श्री नाम संकीर्तन यज्ञ, इसको स्थापना करेंगे बाद में। ये सबसे बड़ा अनमोल उपदेश चैतन्य महाप्रभु दिखा, ये नाम संकीर्तन यज्ञ सबसे ऊपर, परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो ठीक है, लेकिन आप ये अभी ये इधर जो विचार चल रहे हैं, इसका एक नया विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो असमय योग्य, ये जो राशि, ये तो है ही है, बड़ा बड़ा भारी योग्य है, बहुत सुंदर, वो तो है ही है, लेकिन इससे निजोग्य, अगर परफेक्ट रूप से निजोग्य किया जाए, इसका भी श्रेष्ठता कम नहीं है, ये भी को किसी से कम नहीं है निजोग्य। अरे पहले जो पंच सोना योग्य बताया ना, पंच योग्य, उसमें ऋषि योग्य है, दैव योग्य, उसके बाद बताया ना, भूल गया, निजोग्य मतलब कोई अतिथि आए, किसी का सत्कार किया नारायण रूप से, अतिथि नारायण, अतिथि हमारा नारायण के बराबर, ये विचार हमारा शास्त्र में है। अगर अतिथि का सत्कार नहीं हो पाया, अतिथि यहां से लौट के चले गए, वो जगह सत्यनाश हो जाएगा, क्योंकि यह गृहस्थी का जितना सारे पुण्य है, जितना अच्छा है क्रियाक्रम, सब उसका फल लेके चला जाता है, और इसका कुछ है तो छोड़ के जाता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पित्त यज्ञ स्तु तर्पणम और होमो दैव बलिर भौतो नृयज्ञ अतिथि पूजनम, ये बताया। अब ये जो निर्योग्य है, ये भी किसी से कम नहीं, योग्य का बारे में बहुत सारे बात आता है, किसका दान सबसे बड़ा है, भगवान गीता में भी अष्टादश अध्याय बताया, किसका दान सात्विक दान, कितना किसका दान निस्वार्थ है। और दान में भी विचार आता है, एक दान है जैसे शुक्राचार्य जैसा असुर का गुरु, असुरों का जो गुरु है, ये बड़ा भारी विचार करके दिखाया था, अरे मूरख तेरे को भूल रहा है, तू इसको मात दे, ये शो विष्णु अब्बा यहा, ये विष्णु है, अरे मूरख सर्वम वैष्णवे सर्वम विष्णवे दत्ता कथम वर्तसे, कैसे जियोगे, विष्णु को सब दे दोगे। तो दान का इतिहास देखा जाए, वो दान का कीमत है जो अपना पोजीशन, अपना पोजीशन को तोड़ फोड़ के जो दान है, वो तो तू कैसे जिएगा, बड़ा आभारी आया दान दानी। और बोली महाराज नहीं माना, अरे अगर ये विष्णु है सचमुच गुरुजी, तो इसको तो जरूर हम देंगे। अच्छा इतना बड़ा बात, जा श्री वस्तु हो जा, सांप दे दिया, अरे ठीक है आप साफ दे दिया, जो साफ आपका पास है आप साफ दे दिया, ठीक है जिसका पास जो है वही तो देगा। वृंदावन में एक सेठ कम्बल वितरण कर रहा है, एक छल्ली वल्ली साधु बदमाश, वो साधु तो है नहीं राक्षस है, एक बार कम्बल लेके चला गया और दूसरा बार लाइन में खड़ा हुआ, और सेठ जी बूढ़ा है, बोले रे ये तो लिया है ना अभी 1 घंटा पहले, ले 1.5 घंटा पहले तो ले,
नहीं हमने नहीं लिया। अरे ना ना ये तो लिया है, देखो तो ये लिया नहीं। बोले ना हमने नहीं लिया। तो सेठ जी उसको कंबल नहीं दिया। तो यमुना का किनारे जो है वो केसी घाट में बैठ के गाली दे रहा है, हराम खोर बदमाश ऐसा करके गाली दिया सेठ जी को। और तमाम साधु लोगों ने देखो सेठ जी आपको गाली दे रहा है, क्या बात है। सेठ जी हंस के बोला देखो जिसका पास जो है वही तो देगा, हमारा पास कंबल है हम कंबल दे रहा है, उसका पास गाली है गाली दे रहा है, यही तो काम है। एक सांप का पास क्या है, जहर है, वही देगा, क्या आशा कर सकते हो। साधु का बेस लिया रावण, तो रावण क्या तत्व ज्ञान देगा। रावण 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 साधु का बेस लिया, त्रिदंड का बेस, तो क्या हुआ उसमें, क्या फर्क है, तो राक्षस। ऐसा करके जिसका पास जो है वही देगा। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, शुक्राचार्य जी का विचार ये है, तू अपना जो रोजी रोजगार है उसको दबा के उसको तोड़ फोड़ के दे रहा है, अरे तू जिएगा कैसे। बोली महाराज बोल रहे अरे ये तो विष्णु है तो सर्व सब दे देंगे। सर्वम विष्णवे दत्ता कथम वर्त से मूरो, हे मूरा कैसे जिएगा तू। गुरु जी अगर वैष्णव ये अगर विष्णु है स्वयं तो 100% हम देंगे, ऐसे ही तो देने वाला ही था। अरे हमने बोल दिया हाँ देंगे, अरे हाँ बोलने का बाद ओम इति उच्चारण करके पानी को गिराओ मंत्र, तब तो सच्चा होता है, नहीं तो हाँ बोलने से क्या होता है। अरे ना ना ना, ना हम झूठा नहीं बोल सकते, हमने बोल दिया देंगे। अच्छा जा मर, सांप दे दिया। और यहाँ जो दान है, दान का वैशिष्ट है, हमने वृंदावन में 84 कर रहा था, करते रहते हैं, अब 3-4 साल से बंद है, इतना व्यस्त था। वहां एक गरीब ब्रजवासी, गरीब ब्रजवासी, उसका नाम है क्या नाम है, गरवर सिंह, गरवर है, गरवर सिंह ऐसे ही नाम है। वो आके रोते रोते एक बाबा का परिक्रमा पार्टी है, उसमें साधु संधु का झंडू है, सारे पैसा देके दे दिया। बोलो महाराज यही मेरा जीवन जीने का आखिरी और कुछ नहीं बचा, ये दे दिया आपको, और चाल गेहूँ जो है घर में वो टुक टाक है बस, और कुछ नहीं है, ये दे दिया आपको। तो साधु घोषणा कर दिया देखो इतना सुंदर, बोले एक पैसा हमारा पास जेब में नहीं है, आप देखो मेरे को ये दान 18,000 समथिंग कुछ दे दिया। महाराज ने बड़ा प्रशंसा किया, बोले ऐसा सुंदर ब्रजवासी है वाह, नाम तो इसका दे दिया पिताजी गरबर, लेकिन काम में कुछ गड़बड़ी है नहीं, इतना सुंदर ब्रजवासी, बहुत सुंदर काम मन में। अलो उसको दे के भंडारा कर दिया पूरा, अलव सब खाओ पियो, भोग लगा दिया। तो ये दान भी बहुत ऊंचा बहुत सुंदर। और एक दान का बारे में महाभारत में एक आता है, ये है गिलारी, जानते हो गिलारी, जैसे रामचंद्र का जो समुद्र मंथन है, समुद्र का जो ब्रिज बन रहा था, जो सेतु बंधन, वहाँ एक गिलारी आके अपना समुद्र में जाके पानी में शरीर को गीला करके थोड़ा सारा बालू बालू में लुटपुट होके और जाके गिरा रहे। रामचंद्र क्या कर रहे, सब बोलते हैं पागल है क्या कर रहे। रामचंद्र उसका भी चेष्टा देखो कितना सुंदर, वो हमारा सहयोग कर रहा है, अरे आजा हाथ में लेको, वो बुलाया हाथ को, उसका उसका फिंगरप्रिंट है, वो तब से है। हनुमान जी का भी मुख काला नहीं था, बाद में हो गया था, जानते हो। ऐसा बहुत सारे कहानी है सुंदर सचमुच, ये नकल नहीं। और महाभारत में एक घटना आता है जी, कैसे निर्योग्य सबसे बड़ा ऊंचा है, ये असमय दादी इतना खर्चा करके करो फिर भी निर्योग को कमती नहीं है, ये भी बड़ा। तो एक एक जो छोटा गिलारी है, ये युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ स्थल में आके लुटपुट हो रहा था हैं, आ वो उसका जो मुंह है और शरीर का कुछ हिस्सा वो सोने का कालार है, सोने सोने जैसा, और सारे आदमी देखते रह गए, अरे क्या कर रहा है ये आके यज्ञ स्थल में लुटपुट कर रहा है।
तो नकुल को उसको पूछा गया, क्या कर रहे हो? बोले महाराज, हमने एक जगह एक अतिथि सेवा हुआ था, भोजन सातु फातु हैं, संग जप जब है ना, बारली हैं, ये सब लेके सातु केले ये सब देखे, एक अतिथि को जमाया गया था बहुत सुंदर प्रेम से, संग जप सारे देखे, पानी फानी देके उसको आराम से, और पंछा पंख ये जो पंखा झिलने का सेवा किया, वो जो प्रसाद पाया ठाकुर जी को देके, ये प्रसाद पूरा ही पूरा भूखा रह के ये अतिथि को देके गया। रंती देवी इसका एग्जाम्पल है, रंती देवी यही एग्जाम्पल है, जो भी है चलो, ये अतिथि भोजन जब किया और किसी भी हालत से इसका जो टुकड़ा थोड़ा हिस्सा वो अतिथि का जो उच्छिष्ट है उसमें मेरा, और वो हमने पाने का कोशिश किया, इसमें जहाँ स्पर्श हुआ है मेरा मुख वो सोने बन गया, और शरीर का कुछ हिस्सा मेरा उसका स्पर्श हुआ था उच्छिष्ट का, जुग्यास जुग्याशिष्टासीन है, ये जो युग का अवशेष जो है, जुग्यामृत भुजो एक श्लोक में है, आएगा ना, ये तीन 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 नंबर ये अध्याय चल रहा है इसका, तेरह 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 नंबर श्लोक में आया था, युग शिष्ट भोजिन है, ये जो है अमृत प्राप्त होता है। और मैंने देखा गिलारी कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा कुछ हिस्सा सोने का बन गया, अब बाकी हो नहीं पाया, कुछ नहीं बचा था हैं, अरे ये जो इतना सुंदर ये जो निर्जुग हुआ था, निस्वार्थ आंखों में पानी लेके पंखा झिलने का सेवा किया, अतिथि को नारायण रूप से इतना जमा है। और हमारा जानते हो कि जो राजा, ये पहले राजा था ना, ये जो अभी बताया रंतिदेव, आहा हा इतना बड़ा राजा, महाप्रभु जी ने इसका उदाहरण दिया। अरे रंतिदेव जी देखो, कुछ खाना पीना नहीं है, राजा रानी सब भूखे मर रहा है बच्चा, फिर भी बहुत दिन बाद जंगल में एक आदमी छातू पानी और गुड़ सब मिल गए, और ठीक है हम भाग करके खाए, खाने गया तो एक आ गया आदमी, ए हम भूखा है, हमको कुछ दान दो, ठीक है आप खाओ, और दे दिए, बाकी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था वो पाने गया। वो फिर दूसरा आदमी आ गया, एक डोम चाराल हैं, वो आ गया, वो बोला राजा हम प्यासी है भूखा है, वो ले लो, एक लोटा पानी बचा था वो भी दे दिया। इसके बाद ठाकुर जी को एकदम हाथ जोड़ के प्रसन्न करके बता रहा है, ठाकुर जी ऐसा करके मेरा जीवन जिंदगी जो है आपका सेवा में लगे, क्योंकि जगत आपका है, ये प्राणी जो है सब आपका ही है, इस सेवा में लगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं ठाकुर जी, ठीक है मेरा कष्ट कुछ नहीं। रंतिदेव जी का प्रार्थना काल पर चर्चा करेंगे, आज टाइम बचा नहीं, चला गया। ते तमाम दुनिया का जीवों का जो कष्ट है, हे ठाकुर जी रंतिदेव कह रहे मेरा ऊपर डालो, दे दो, हम इन लोगों का कष्ट लेके करोड़ों करोड़ों जीवन कष्ट भुगते चले, फिर इसको रिहा कर दो। महाप्रभु का भी इतिहास हम बताएंगे काल, अभी टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब है ये अतिथि का जो यज्ञ हुआ था निजज्ञ, ये भी कमती नहीं है। और ये नकुल जो है, नकुल मतलब संस्कृत में नकुल और हिंदी में गिलारी, ये आके कह रहे हैं कि हमने सोचा कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ असमय यज्ञ, तो शायद युधिष्ठिर महाराज के उधर जाए, बाकी मेरा शरीर का हिस्सा सोने में बदल सकता है। लेकिन हमने अभी विचार करके देखा, ये जो यज्ञ, ये जो ब्राह्मण का ये जो यज्ञ था, अतिथि पूजन यज्ञ निजज्ञ, ये कमती नहीं है, ये यज्ञ इससे भी बढ़ के, अरे बाप रे बाप रे बाप, इतना पावर है इसमें है? ये महाभारत का आता है, नकुल नकुल सुवर्णो सुवर्ण नकुल उपाख्यान, ये आता है। अब ज्यादा बोलने का भी टाइम नहीं है, भाई समय तो पागल का मैं अभी चलाया था, क्या करूं,
शेषे अधिकारे यो निष्ठा स्वगुण परिकीर्तिता विपर्यस्त दोष। ये बात प्रभुपाद अक्सर कहते थे, अपना अपना अधिकार में लगे रहो, छलांग लगाने का कोशिश मत करो, इसमें अमंगल ही अमंगल है। शेषे अधिकारे जो निष्ठा स्वगुण परिकीर्तिता विपर्यस्त दोष वांछा कल्पतरुष्य की बासिंद व्यवचार पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।